अगर एक जनवरी को आप सुबह उठकर नहा लें तो क्या पूरे साल नहाए हुए रहते हैं एक जनवरी को अगर आप खाना खा लें तो क्या पूरे साल आपका पेट भरा रहता है या तो सोने में खराब करते हैं या रील स्क्रॉल करने में या एंटरटेनमेंट में या फेसबुक में सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं तो यार अब मैं अगले तीन महीने तक ड्रिंक नहीं करूंगा और हुआ क्या पार्टी थी तो पीना पड़ा एज ए यंगस्टर मेरा पैशन था स्केटिंग करनी है यार तो एट द एज ऑफ फोर्टी मैंने स्केटिंग को कंटिन्यू किया दोस्तों लोगों को ना कड़वी बात पसंद तो बहुत आती है लेकिन पसंद आने के बावजूद भी उसको एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं कड़वी बात का मतलब पता है क्या है कि आपको सच में क्या करना चाहिए था पर आपने क्या किया इसका मूल्यांकन करना आज इसी विषय पर मैं बात करने वाला हूं एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है वरना एक दिन समय तय करेगा कि आपका क्या करना है यह बात मैंने पता है क्यों कही है दो जाने वाला है नया साल आने वाला है ध्यान है आपको जब नया साल आने वाला था तो आपने क्या क्या सपने बनाए थे क्या क्या रेजोल्यूशन लिए थे क्या क्या वादे किए थे क्या क्या सोचा था कि यार 2023 में मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लूंगा फिटनेस ठीक कर लूंगा बहुत कुछ सोचा था ना देखते देखते 2023 भी निकलने वाला है और कल जब 2024 शुरू हो जाएगा तब आप फिर दोबारा से नए सपने बनाएंगे नए जोश नए जज्बे नए जुनून के साथ लेकिन देखते ही देखते वो जोश जज्बा और जुनून कहीं ना कहीं खो जाएगा आपको पता है हमारे देश में नाइन्टी परसेंट ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो जनवरी के पहले दस दिन में ही अपना रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं तो करना क्या है कुछ लोग कहते हैं ये मोटिवेशन जो होता है ना वो थोड़ी देर चलता है एक जनवरी जब होती है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है और लगता है कि आप तो जीवन बदल डालेंगे पता ही थोड़ी देर क्यों चलता है क्योंकि आप ये जो मोटिवेशन है ना इसको सोचते हैं कि एक बार मोटिवेट अगर मैं हो जाऊं तो शायद पूरे साल भर मोटिवेटेड रहूंगा अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं अगर एक जनवरी को आप सुबह उठकर नहा लें तो क्या पूरे साल नहाए हुए रहते हैं एक जनवरी को अगर आप खाना खा लें तो क्या पूरे साल आपका पेट भरा रहता है एक जनवरी को यदि कुछ चीज़ आप खरीद लें तो क्या पूरे साल आप लगातार चीज़ें खरीदते रहते हैं एक जनवरी को एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो क्या पूरे साल भर एक्स्ट्रा इनकम आती रहती है नहीं ना कहते हैं समय सदा एक सा नहीं रहता लेकिन जो मोटिवेशन है ना वो ठीक नहाने खाने पीने उठने बैठने की तरह है रोज आपको चाहिए होता है और कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होनी चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीजें जिसका इंप्लीमेंटेशन अगर आप अपने दो में करते हैं तो सच में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और मैं कोई भी बात ना बिना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को प्रूव किए नहीं कहता जब मैं 96 सिक्स के जी था तो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और 2024 आने से पहले ही 111 दिन पहले मैंने लक्ष्य बना लिया था क्या कि मॉन्क मोड करूंगा 31 दिसंबर 2023 तक और मेरा मॉन्क मोड कंप्लीट हुआ और मैंने अपने आप को वैसा पाया जैसा मैं बनना चाहता था क्यों क्योंकि हर समय अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है तो ध्यान रखिएगा नए साल में आप गोल जरूर बनाएं लेकिन उन गोल के लिए अपने आप को निरंतर मोटिवेट करते रहें जब जब आपको लगे कि मेरे लक्ष्य हासिल करना जरा मुश्किल हो रहा है तो याद करें वो कसम याद करें वो सौगंध याद करें वो रेजोल्यूशन जो आपने लिए थे तो सबसे पहला टारगेट जो आपको बनाना है वो है आपका फाइनेंशियल गोल फाइनेंशियल गोल का मतलब ना हमेशा ये नहीं होता कि आपकी इनकम दस गुना बीस गुना पचास गुना सौ गुना बढ़ जाएगी आज आप जिस स्तर पर भी हैं ना अगर वहां से आने वाले एक वर्ष में आपने अपने आप को 10 परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट तीस परसेंट तक भी बढ़ा लिया तो कंपाउंड रेशो में अगर आप देखेंगे ना तो आप बहुत अधिक ग्रो कर जाएंगे आने वाले कुछ सालों में तो करना क्या है सबसे पहले ऐसे नए नए तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम में इजाफा हो सके तो नंबर वन अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करना है अब कुछ लोग कहेंगे हम तो जॉब करते हैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं अरे भाई जॉब करते हैं तो भी आपका एक लिमिटेड टाइम है सुबह दस से शाम को सात बजे की जॉब करते होंगे सुबह नौ से शाम को आठ बजे की जॉब करते होंगे अगर आप सच में चाहते हैं ना कुछ करना तो डेढ़ से दो घंटे का समय आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके नई चीज़ों को सीख कर नई चीज़ों को समझ कर अपनी योग्यता में इजाफा करके पैसे कमा सकते हैं और आज आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इससे इनकम मिलेगी तो कहने का मतलब ये कि अगर आप यूट्यूब से भी अर्निंग करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आपके मन में जज्बा होना चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है और ध्यान रखिएगा जब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए ना तो उस इनकम को केवल अपने खर्चे पर अपने शौक मोज पर खर्च ना करें इनकम को हमेशा तीन हिस्सों में बांटें आपकी इनकम का एक बहुत अच्छा पार्ट जो होता है वो आपके जीवन यापन में चला जाता है उसके बाद बचता है कुछ पैसा जिसको आप अपनी नीड्स एंड वांट्स पर खर्च करना शुरू कर देते हैं नीड्स को पूरा करने का था वांट्स पर खर्च करते हैं और वहीं से शुरुआत हो हुआत जाती है आपके पैसे के घटने की तो करना क्या है आपको अपने पैसे की इनकम में तो इजाफा करना है साथ साथ अपने खर्चों को कंट्रोल करना है मैंने ये नहीं कहा कि कोई खर्चा छोड़ दो एक बार एनालाइज करो आप एक डायरी रखो अपने साथ नोट करो आपके क्या क्या खर्चे हैं तो आपको पता चलेगा कि इन खर्चों को भी मैनेज किया जा सकता है जब पूरे हफ्ते के खर्चे आप देखेंगे ना तो आप अपने आप समझ पाएंगे कि कौन से ऐसे खर्चे जिनको मैं अवॉइड कर सकता था तो खर्चे कम करना भी इनकम बढ़ाने का एक जरिया है साथ साथ सेविंग करना जरूर करें और एक नियम बना लें लोग कहते हैं कि भाई जो भी इनकम मुझे मिली है उसमें से मैंने खर्चा कर लिया बाकी जो बचा वो सेव कर लूंगा ये फार्मूला नहीं है नियम बना लीजिए कि जो भी इनकम आप कमाएंगे उसका बीस परसेंट तीस परसेंट जो भी आपकी क्षमता हो उतना मैं पहले बचाऊंगा सेविंग करूंगा उसके बाद बचे हुए पैसे से अपनी नीड्स को पूरा करूंगा फिर भी कुछ पैसा बचता है तो वॉन्ड्स को पूरा करने का प्रयास करूंगा इस पैसे को आप केवल सेव ना करें बल्कि इस पैसे को इन्वेस्ट भी करें आज बहुत अच्छे ऑप्शन है आप एस कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं आप शेयर्स खरीद सकते हैं आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और आजकल तो क्या है आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो शेयर ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट करती हैं अगर नहीं करना चाहें तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी अपना डिमेट अकाउंट खोलकर अपने पैसे को बैंक में रखने की अपेक्षा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसीलिए इन्वेस्टिंग की हैबिट जरूर डेवलप करें और कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते रहें दूसरी हैबिट जो आपको डेवलप करनी है वो है आपकी फिटनेस को लेकर एक बार एक काम कीजिएगा अपने फोन में ना अपनी तीन साल पुरानी फोटो दो साल पुरानी फोटो एक साल पुरानी फोटो एक जनवरी दो से लेकर आज तक की फोटो उठा के देखना आपको पता क्या लगेगा कि यार पिछले तीन सालों में मैं कितना और ज़्यादा मैच्योर लगने लगाऊँ और ज़्यादा बूढ़ा लगने लगाऊँ और ज़्यादा बड़ा लगने लगाऊँ या पहले की अपेक्षा ज़्यादा ओवर हो गया हूँ कहीं ना कहीं मेरे फेस पर फैट आ गया है मेरी बॉडी वैसी नहीं रही जो आज से तीन साल पहले थी तो आपको करना है क्या अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना है और फिटनेस पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठकर आपको चार बजे जिम जाना है एक शेड्यूल बनाएं यार अच्छा सा कम से कम पैंतालीस मिनट से लेकर एक डेढ़ घंटे तक का वर्कआउट डेली करें और वर्कआउट का मतलब कोई बॉडी बिल्डिंग और जिम जाना ही नहीं है वर्कआउट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप जॉगिंग कर सकते हैं आप वॉकिंग कर सकते हैं आप रनिंग कर सकते हैं आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं आपको पार्क में घूमना अच्छा लगता है घूम सकते हैं है ना बहुत सारे तरीके हैं अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो और बेहतर होगा क्योंकि उससे आपकी केवल फ़िटनेस अच्छी नहीं होती आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है तो फिटनेस का गोल बनाएँ और क्या कहा था आपने कि एक तरीके से जंक फूड नहीं खाऊंगा लेकिन क्या हुआ पार्टी में गए और खाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स के साथ मिले तो खाना शुरू कर दिया और क्या कहा था कि यार अब मैं अगले तीन महीने तक ड्रिंक नहीं करूँगा और हुआ क्या पार्टी थी तो पीना पड़ा ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपनी हैबिट्स कैसी डेवलप करते हैं जब आप अच्छी हैबिट डेवलप करते हैं ना तो आपके दोस्त भी उसका सम्मान करते हैं शुरुआत में हो सकता है वो मजाक उड़ाएं लेकिन बाद में उस बात का वो सम्मान करते हैं कि यार हमारा दोस्त है ना फिटनेस को लेकर बड़ा एग्रेसिव है बड़ा डिसिप्लेंड है और डिसिप्लिन व्यक्ति की हर व्यक्ति इज्जत करता है इसीलिए फिटनेस का गोल बनाएं और साथ में अपनी डाइट को मेंटेन करें नेक्स्ट टाइम बैलेंस ज़रूर करें अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो प्रोफेशनल हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में हैं तो पर्सनल टाइम उनके पास ही नहीं है फैमिली टाइम उनके पास नहीं है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए टाइम नहीं है तो अपने टाइम का ना वर्क बैलेंस ज़रूर करें टाइम बैलेंस ज़रूर करें क्या कि कुछ समय अपने परिवार के साथ जरूर बिताएं मैंने तो अपने लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है लोग कहते हैं कि यार टाइम कैसे मिल जाता है अरे भाई मैं सबसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि सुबह छः बजे से आठ बजे तक आप क्या करते हैं रात को आठ बजे से लेकर दस ग्यारह बजे तक आप क्या करते हैं या तो सोने में ख़राब करते हैं या रील स्क्रॉल करने में या एंटरटेनमेंट में या फेसबुक में सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं उस टाइम को अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए जिम में भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे सकते हैं हफ्ते में एक दिन का वीक ऑफ जरूर लें ताकि आपका पूरा जो आ, लाइफ साइकिल है ना वो रिन्यू होता रहे छह दिन के बाद जब एक दिन छुट्टी मिलती है ना तो वो होती है अपनी एनर्जी को रिबूस्ट करने की तो एनर्जी को रिबूस्ट करें और आपने क्या सोचा था कि यार इनकम का इजाफा तो करना ही करना है सेल्फ डेवलपमेंट भी करना है हुआ क्या बुक खरीद ली एक दिन पढ़ ली दो दिन पढ़ ली तीन दिन पढ़ ली सोचा ना दस पेज पंद्रह पेज रोज पढ़ूंगा और बाद में वो बुक वहीं शेल्फ पर धूल खा रही है क्यों क्योंकि उस समय मोटिवेशन था कि नया साल शुरू हुआ है सब कुछ करना है अपने आप को डेवलप करने के लिए ना जरूरी नहीं कि बुक्स ही एक जरिया है बहुत अच्छा जरिया है और भी बहुत सारे ज़रिए हैं आप यूट्यूब पर लर्निंग वीडियोज़ देख सकते हैं आप किसी तरह के स्किल सीख सकते हैं आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं आप लोगों से बातचीत करके उनसे उनके अनुभव को जानकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं तो ये सारी चीज़ आपको करनी है कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कोई टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हैं कोई सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोर्स कर सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको और बेहतर बना सके उस पर काम कर सकते हैं लेकिन ये निरंतर करना होगा लगातार करना होगा तब आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा 20 से 21 दिन तक यदि आप कोई काम लगातार करते हैं ना तो वो आपकी हैबिट बन जाता है और जैसे ही वो समय 90 दिन से अधिक होता है तो वो आपकी लाइफस्टाइल। इसीलिए अपने डेवलपमेंट के लिए अपनी हैबिट को डेवलप करें आपके हैबिट से आपका लाइफ डेवलप होगा और आपका लाइफ ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा इसीलिए अच्छी हैबिट डेवलप करें भागम भाग की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम लोग अपने पैशन को भूल जाते हैं उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं क्यों याद करते हैं ना यार कॉलेज टाइम पर स्कूल टाइम पर क्या करने का मन था कहते यार उस टाइम तो स्केटिंग करने का मन था उस टाइम जुम्बा करने का मन था उस टाइम बॉक्सिंग करने का मन था उस टाइम स्विमिंग करने का मन था उस टाइम मन था कहीं घूमने जाऊँ पर क्या हुआ समय की मार ने आपको उस परिस्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि आप अपनी हॉबीज़ को तो भूल ही गए अपने पैशन को भूल ही गए अपने पैशन के प्रति ना फिर दोबारा एनर्जी बनाएं और सोचें कि वही समय आपके जीवन का वापस आ गया वही स्कूल टाइम कॉलेज टाइम वही दोस्तों के साथ घूमने वाला टाइम और अपने पैशन को फॉलो करें मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरी लाइफ का पैशन क्या है एज ए यंगस्टर मेरा पैशन था स्केटिंग करनी है यार तो एट द एज ऑफ फोर्टी मैंने स्केटिंग को कंटिन्यू किया अब आप मेरा ये वीडियोज़ उठा के देखेंगे तो लगभग हर महीने में दो या तीन दिन मैं स्केटिंग करता हूँ मुझे बॉक्सिंग और जूडो कराटे का बहुत शौक था तो वो भी मैं करता हूँ गर्मियों के टाइम पर स्विमिंग भी मैं करता हूँ मौका मिले तो हॉर्स राइडिंग के लिए भी जाता हूँ अपने हर उस पैशन को जो आपको जिंदा दिल्ली में बनाए रखने का काम करता है ना जब आप उस पर काम करते हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो नया साल बिल्कुल सामने खड़ा है रेजोल्यूशन लें दृढ़ निश्चय के साथ उसको हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और जब जब डीमोटिवेट होना तो याद करें वो दिन जब वो आप काम करना चाहते थे और उससे आपको बड़ी खुशी मिलती थी मैं तो हमेशा उस दिन को याद करता हूँ कि जिस दिन मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है और करने का निर्णय लिया और फिर याद करता हूँ उसका अंतिम दिन जब वो काम मैंने पूरा किया सिक्स पैक ऐप मुझे अचीव करना था छियानवे किलो बॉडी फैट से चौबीस परसेंट बॉडी फैट परसेंटेज से मैं बारह परसेंट बॉडी फैट परसेंटेज पर आया अपनी बॉडी को सिक्स पैक ऐप के साथ देखकर जो खुशी मिलती है ना उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है और जब मॉउक मोड मैंने किया तो मेरी बॉडी की एनर्जी ऐसी हो गई जैसे कॉलेज जिस समय में था उस समय पर एनर्जी थी और अब मैं दो में करने जा रहा हूं फिटनेस में कुछ बिल्कुल डिफरेंट। जो मेरे पर्सनल रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने नहीं जा रहा लेकिन जो मेरे पीआर थे उन पीआर को तोड़ता हुआ मैं अपने नेक्स्ट पीआर सेट करता जाऊंगा। आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हासिल करने का लक्ष्य और ध्येय आप बनाते हैं बशर्ते निरंतर प्रयास करते रहें मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप जो भी लक्ष्य इस नए साल में बनाएं उन्हें हासिल करने का प्रयास करने के साथ साथ निश्चित रूप से उन्हें हासिल भी करें और उसको हासिल करने के लिए मोटिवेशन निरंतर बना रहे स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनरे भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत